हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? मेरा तो सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर इधर रात हो रही है, तो रात के हिसाब से मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तो ईद का पहला दिन तकरीबन मेरे ख्याल से गुजर चुका होगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से चांद रात आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ज़िल हज की, और दुआ में याद रखिएगा। तो बस ये है कि अभी तैयारी कर रहे हैं कपड़ों वपड़ों की, सुबह 7 बजे नमाज है, तो अभी आपको फैलावा दिखाते हैं। ये मेरा कुर्ता इस्त्री हुआ है, ये मेरा बनी क्या है क्योंकि मुझे इस्त्री करनी नहीं आती। ये देखें, ये पूरा पूरा फैलावा हो रहा है। ये बनी भी अपने कपड़ों में करी और मेरे कपड़ों में भी कर दी है। तो बस अब हम ये इसको समेटेंगे सारा, क्योंकि ये जब सारा सामान था ना वो इधर रखा होता था, मतलब इस तरीके का स्टैंड जो ना टेबल हो जाता है हमारे लिए। तो अभी मैं इसको समेटता हूँ और बाकी और चीज़ें निकालते हैं अपनी सुबह के लिए, स्लीपर वगैरह और जो भी कुछ है। अभी के लिए इतना ही, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर, मतलब मैं तो शायद सुबह ही मिलूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मिली सेकेंड्स में हम आपसे दोबारा मुलाकात। स्टेट और पीएस, मेरी हालत बुरी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुर्बानी का जिनका इरादा होता है, और तो लोगों को 10 दिन तक ईद के कुर्बानी करने तक बाल या नाखून वगैरह नहीं काटना होता, तो इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। तो गाय तो नहीं करी हम लोगों ने, हिस्सा ही किया है, और वो हिस्सा भी हम लोगों को कलेक्ट करना है ईद के दूसरे दिन। तो पहले दिन तो शायद मैं आप लोगों को कुर्बानी वगैरह ना दिखा पाऊँ, और वैसे भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ज़रा खून ख़राब होता है, तो उसके अंदर वीडियो में दिखा नहीं सकते। तो ये कि जो भी कुछ होगा फिर आपको पहले दिन का दिखाते रहेंगे, और फिर दूसरे दिन अपने हिस्से कलेक्ट करने जाएंगे, दूसरे दिन फिर दावत होगी, फिर तीसरे दिन भी दावत होगी, चौथे दिन भी दावत होगी, तो वो सब आप लोग को दिखाते रहेंगे। बस मुझे ये बोलना था। द नेक्स्ट मॉर्निंग जी भाई, तो उठ गए, सोए क्या थे, बल्कि 2 घंटे ही सो पाया था। अभी क्या नमाज का टाइम हो गया, नमाज शुरू हो गई है, सामने ग्राउंड में भी हो रही है, लेकिन हमारे तो नीचे मस्जिद है तो वहीं पर होती है, तो मैं और मेरे अब्बा तो वहाँ जा रहे हैं। तो अभी चलते नमाज पढ़ने, और फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं। जानवर के गले को पकड़ी का मत, उसके खून को निकल देती। बाथरूम को देख के सेवा करने के बाद जहाँ सेवा किया उसको पानी लगा के उसको साफ करते हैं, पानी भी नहीं लगा। जब आप पानी लगाएंगे तो गले का सूं जो ऐसा ऐसा भरा आ रहा होता है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा वो सूं। जी भाई, तो नमाज भी हो गई है, और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको दिली ईदुल्अज़हा मुबारक हो, और दुआओं में हम लोग को याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन। ये कि अभी तो ना होना शुरू हो गया, अगर मैं आपको दिखा सकता होता अगर तो दिखा देता, तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा ना, तो वो फिर वायलेंस आ जाएगा मेरी वीडियो में, दिखा नहीं सकता। लेकिन ये कि जैसा देखने से लग रहा है नीचे, और फ़ोन वोन पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब कुर्बानी स्टार्ट हो चुकी है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश वाला, लेकिन बस बारिश ना हो तो ज़रा है वो फिर निज़ाम सारा तरफ गर्म हो जाता है। तब ये क्या, अभी तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद कब्रिस्तान जाएंगे, कब्रिस्तान से आके फिर सो जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। सब मैं आपको हल्की सी झलक दिखा देता हूँ, दिल्ली लिए आप लोग देख लीजिए, मुझे ना पूरा स्टार्ट हो गया, कुर्बानी होना स्टार्ट हो गई, बस मुझे ये दिखाना था। मच मच लेटर जी भाई, तो अब जाके हमारी सुबह हुई है, सुबह इन अ सेंस मतलब शाम हो गई है अभी, कि अब हम थोड़ा तैयार व्यार हो गए, और आप लोग देख रहे हैं फुल में, तो फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी, फेसबुक पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं आप लोग, इट्स फैडी अली के नाम से हूँ। अगर आपको फुल पिक्चर देखनी है तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं पप्पू की तरफ, पहले दिन ने सोचा कि हो रही है कहीं चलते हैं, तो आप जा रहे हैं वहीं पर, फिर जो भी कुछ होगा फिर वहाँ जाकर आपको अपडेट करेंगे। जब तक आप लोग देखते रहिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिएगा। लेट्स गो। बाबा लो ना, मामा ले लो, मामी कीमे वाले भी हैं, इसमें कुछ पता नहीं। जी भाई, तो गुड मॉर्निंग, और कल का व्लॉग मैंने बीच में एंड कर दिया था, कल भी कितना खास था रही है। और दूसरी बात ये कि खाना जब खा लिया फिर मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी बना रहा था पहले दिन का, तो वो मैं बनाना भूल गया। तो बस गए थे उनको क्या खाना खा के, फिर हम लोग आ गए थे रात में, कल तो कुछ इतना खास था नहीं, और बस क्या हिस्से मिलेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं हिस्से लेने के लिए, उसके बाद पे बांटेंगे सब हिस्से हिस्से बनाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने हिस्से लेने के लिए, और फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे। आज फिर नानी की दावत भी है, तो बारबेक्यू होगा, तो फिर वो भी आप लोग अपडेट करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं हिस्से लेने के लिए। ये आ गए हमारे
से दारुन नहीमिया, यहाँ से पिछली बार भी हमने यहीं से किया था, तो हमें लेके जा रहे हैं इसको। जी भाई, तो अब हम लोग दावत में जाने के लिए तैयार हैं। मैं सोचा कि इतने बाल तो बड़े हो गए हैं कि अच्छी शक्ल लगे, मैं दिखा सकूँ बिना कैप के भी वीडियो में, तो गंजा हो गया था क्योंकि डैंड्रफ बहुत हो रहा था। तो ये कि माशाल्लाह से बाल सब कुछ तैयार है, तो अभी तो हम तैयार हो गए। और अगर आप लोगों को फुल लुक देखना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इट्स फैडियली के नाम से। तो ये अभी चलते हैं नानी की तरफ और फिर वहाँ पर बारबेक्यू या जो भी कुछ होगा वो फिर आप लोग को दिखाएंगे। लेट्स गो। तो भई हम लोग आ गए हैं आज के डे टू सेटअप में, और ये हरीम व्लॉग्स। हाय हरीम व्लॉग्स, ईद मुबारक। ये पूरा सेटअप हुआ है, अजान हो रही है, गाने चल रहे थे अभी, और गाने तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये हमारा न्यू बारबेक्यू सिस्टम। अच्छा, इसमें से अलग हो जाती है? अच्छा, ये अलग हो जाती है। चलो, ये बेस्ट हो गया, पिकनिक में काम आएगी हमारे। और ये पूरा सेटअप हुआ हुआ है, तो बस अब जब सब मेहमान आ जाएंगे बारबेक्यू स्टार्ट होगा, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हरीम व्लॉग भी बना रही है। अशोक खान ने बोल दिया स्टेट तीन तो चालिया ले ले, 10 रुपए के 4 ले ले। चलो चलो, तो अभिषेक मणिक देख के भाई ताला, वो भी तो हाँ वैसे भाई अगर असली होता ना ऑरेंज ये हमारा ऑफिशियली बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है। गंदे गंदे गाने में डांस करो। ये हो गया हमारा खाना टाइम। जमीन पे जा रही है, हाँ हाँ, प्यास तो ऐसी लग रही है। बस ये लगा तो मैं सो, ये जो बोटी की लगभग हुआ प्यास का नाल लगा था। चटनी का जो आवा पड़ा है उसमें, ये ना आशीर्वाद टप्पो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो भाई काटो। अच्छा चलो, अच्छा भाई सॉरी मुंता, अरे नहीं तुम लोग निकाह पर लगा रहे, तुम लोग निकाह अब सा यार इसको पता कर दो अशु एक पहले birthday to you.
अच्छा गाना चला जी भाई, तो इसी के साथ एंड करता हूँ मैं आज का ब्लॉग। बहुत मज़ा आया, बहुत तफरी हुआ आज इतने अरसे के बाद, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी कोई ब्लॉग होगा, क्योंकि जो कल तीसरे दिन की दावत होती है चाचू क्या की, तो वो आगे पोस्टपोन हो गई है, वो नेक्स्ट वीक पे चली गई, क्योंकि कल है मेरे भतीजे की बर्थडे, मतलब मेरी कज़न का बेटा, उसकी बर्थडे है, तो कल हमें वहाँ जाना है। तो देखो हो सका तो वहाँ का ब्लॉग बना लूँगा, तो वो भी आपको दिखा दूँगा, नहीं तो फिर आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जो भी मैं बनाऊँगा। तो मेरे आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन शाला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।